कोरोना वायरस के भंवर में दुनिया फंसती जा रही है। दुनिया भर में अब तक 53,146 लोग दम तोड़ चुके हैं, जबकि 10,15,709 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। हालांकि 2,11,409 संक्रमित लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं भारत में संक्रमितों की संख्या 2,500 के पार पहुंच गई है, जबकि मरने वाले करीब 70 लोग हैं। ऐसे में इस महामारी से लड़ने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने पूरी ताकत लगा दी है। इसी बीच बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि विश्व बैंक विकासशील देशों को फंड देगा ताकि देश की अर्थव्यवस्था तहस नहस ना हो। बताया जा रहा है कि विश्व बैंक भारत को $1 अरब की आपातकालीन आर्थिक मदद करेगा। बैंक के कार्यकारी निदेशक इस संबंध में एक प्रस्ताव पर सहमति जताई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विश्व बैंक ने आर्थिक मदद के तौर पर पहले चरण में 25 देशों को विशेष आपातकालीन मदद देने का ऐलान किया है, जिसके बाद वो और 40 देशों की मदद करेगा। इसके तहत पहले चरण में अफ्रीका, पूर्वी एशिया और पैसिफिक दक्षिणी एशिया, यूरोप और केंद्रीय एशिया, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के कई देश शामिल होंगे। भारत भी इनमें से एक है। विश्व बैंक ने कहा कि इस आर्थिक मदद से कोरोना वायरस की जांच करने, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग प्रयोगशाला में जांच करने, जरूरी मेडिकल उपकरण खरीदने और मरीजों को रखने के लिए नए आइसोलेशन सेंटर बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही विश्व बैंक में पड़ोसी देश पाकिस्तान के लिए भी 20 करोड़ की आपातकालीन मदद करने की घोषणा की है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।